बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज आपको बताएंगे कि जीवन में मान सम्मान पाने के लिए, जीवन में यश पाने के लिए, कि आपका नाम रोशन हो, लोग जो है आपको याद रखें, आपको अच्छा यश मिले, अच्छा सम्मान मिले, अच्छा ऐश्वर्य मिले, उसके लिए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर क्या विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, हर आदमी चाहता है कि उसको जीवन में सम्मान मिले, यश मिले, लोग उसे जाने, दुनिया उसे पहचाने, ये इच्छा हर आदमी के मन में होती है। तीन तरह की इच्छाएं मनुष्य के ऊपर हावी रहती हैं, होती हैं। एक इच्छा होती है धन की, एक इच्छा होती है संतान की, जब शादी हो जाती है तो संतान की इच्छा होती है, और एक इच्छा होती है यश की, कि हमारा नाम हो, लोग हमें जाने। पहली इच्छा धन, दूसरी विवाह के बाद संतान, और तीसरी यश की इच्छा मनुष्य की होती है। धन संतान हो गई तो अब यश चाहिए। तो यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? ये जो उपाय है ये आपको 30 अगस्त जन्माष्टमी के पावन पर्व पर करना है। यानी जन्माष्टमी के दिन जो लोग ये उपाय करेंगे उनको फायदा होगा, उनकी इच्छा पूर्ण होगी। क्या करना है आपको कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 30 अगस्त की रात जब जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो रात को 12 बजे ये उपाय करना है। अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की स्थापना करिए, लड्डू गोपाल का पूजन करिए, और ये जो उपाय बता रहे हैं ये करिए। तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए। लड्डू गोपाल यदि आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लड्डू गोपाल ले आइए, उनके लिए अच्छे वस्त्र खरीद करके ले आइए। येलो उनका फेवरेट कलर है तो पीले रंग का वस्त्र आप ला सकते हैं, और लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में स्थापित करिए। रात को 12 बजे ये उपाय आपको करना है। क्या उपाय करना है? सफ़ेद रंग की शुद्ध बर्फी अपने घर में बनाइए। मिठाई जो बर्फी बनती है ना, वो आप बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना आता है बर्फी तो टेंशन मत लीजिए, आप खीर बना सकते हैं। खीर जो बनानी है वो गाय के दूध की बनानी है। बर्फी बनाने के लिए जो आप इस्तेमाल करेंगे दूध, वो भी गाय के दूध का होना चाहिए। तो गाय के दूध की बनी हुई सफ़ेद रंग की मिठाई या गाय के दूध की बनी हुई खीर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर खीर आसान लगती है तो आप खीर बना लीजिए, गाय के दूध की होनी चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजन करिए। सबसे पहले भगवान कृष्ण को जल से स्नान कराइए, इसके बाद दूध से स्नान कराइए। दूध गाय का होना चाहिए और कच्चे दूध से स्नान कराना है, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। उबला हुआ दूध जिसको आप कहते हैं, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर भगवान कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित करिए और उन्हें आसन में विराजमान कर दीजिए। तिलक चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, और इसके बाद जो है भगवान कृष्ण की आरती करिए। आरती करने के बाद सफ़ेद रंग की गाय के दूध से बनी हुई बर्फी या मिठाई का भोग लगाइए, या मिठाई बर्फी नहीं है तो घर में खीर बनाना है गाय के दूध से, और उस खीर का भोग भगवान कृष्ण को लगाना है। भोग लगाने के बाद प्रणाम करना है उनसे कि आपको यश दिलाएं, सम्मान दिलाएं, समाज में आपका नाम हो, दुनिया आपको जाने, और मन में जो उद्गार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त करना है, और भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ करके मधुराष्टक का पाठ करना है। यदि मधुराष्टक आपको नहीं आता है तो परेशान मत होइएगा, YouTube में मिल जाएगा, Google में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं, और जिनको पढ़ना भी नहीं आता है वो सुन ले। और कितने बार करना है? 11 बार, 11 बार मधुराष्टक सुन लें, यदि पढ़ना आता है तो पढ़ लें। इतना आप कर लीजिए, जन्माष्टमी की रात को 12 बजे से आप शुरू कर सकते हैं ये उपाय। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में यश बढ़ेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें। जन्माष्टमी का पावन पर्व आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण।